ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सलाम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सीरत तैयबा में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो अनमोल हमें वाकयात मिलते हैं उनके मतलब आज चंद वाकयात की तरफ रहनुमाई की जाएगी कि सीरत तैयबा में से जो अनमोल वाकयात, जो अनमोल आपकी सिफात हैं, क्योंकि इस्लाम ने ये कहा है कि आपके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, तो उसी आयत को हवाले जेन में रखते हुए लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, तो उनमें से उस उस्वा हसना के से चंद मसालें पेश की जाएंगी। सबसे पहले है खुल्के अज़ीम, आप सारी कायनात से आला खुलक के मालिक थे। खुलक बेटा अखलाक से है, अखलाक कहते हैं अच्छा किरदार। एक तो क्लास में ले रही होती है। अखलाक कहते हैं अच्छी गुफ्तगू, अच्छा किरदार और अच्छी बात। आर यू जी बेटा ये बाकी माइक जरूरत के तहत खोलें, जो बच्चों के शोर की आवाज आ रही है बाकी माइक अपना ऑफ रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलके अजीम दावत देने वाले के लिए जरूरी है कि वो बुलंद अखलाक काम और रहीम व शफीक हो। बुलंद अखलाक से मुराद है कि उसके अंदर गुफ्तगू करने का सलीका अच्छा हो और लोगों की बात तहम्मल के साथ सुने और अपनी बात जब पेश करनी है बाअखलाक किरदार के साथ पेश करे और लोगों के साथ शफीक और रहीम हो। रहीम कहते हैं नरम दिल, मेहरबान, शफीक मोहब्बत करने वाला, हर किसी को अपने अखलाक में समो देने वाला। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत रहीम और शफीक बनाया और इस बात की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं। अखलाकी लिहाज से कोई भी ऐसी खूबी ना थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ना हो। अरशाद रबानी है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, अफू व दरगुसर। ये तो था अखलाक के आला किरदार की बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद गवाही दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। अब है अफू व दरगुजर, किसी को माफ़ कर देना और किसी से दरगुजर करना। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरहूब होकर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई और फरमाया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे कत्ल कर सकते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा का कातिल वहशी मुसलमान हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई सजा न दी और सिद्क दिल से माफ़ फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुम्मे
एक शख्स का कर्ज था। एक दिन आकर वो बहुत सख्ती के साथ मुतालबा करने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना जोर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुर हो गो, यानी कि आपके जो गर्दन में चादर डाली हुई थी उसको खींच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन जब सुर्ख हो गई तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आगे बढ़े, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना करते हुए फरमाया ऐसा उसे ऐसा करने का हक है। लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी हुस्न सलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज्जन ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फज़्ज़ू मिन हौलिक। तर्जुमा, बस अल्लाह की रहमत के सबब तुम उनके लिए नरम दिल हो, अगर तुम मिजाज के उखड़े और दिल के सख्त होते तो ये लोग तुम्हारे से मुंतशिर हो जाते, दूर भाग जाते। तो यानी कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी और इस आला किस्म की सिफ़त का तज़किरा किया है कि आप बहुत ही नरम मिजाज हैं, आपके साथ अगर कोई सख्ती से भी पेश आता है तो आप उसका जवाब सख्ती से नहीं देते बल्कि नरम दिली के साथ, नरम मिजाज के साथ उसका जवाब देते हैं। और यही वजह है कि जो काफर बहुत दूर थे, सख्त दिल थे, आपके इस अखलाक की वजह से कुफर छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम की तरफ पेवस्त हो गए। ये आपकी नरम मिजाजी और नरम लहजे का ही एक बहुत बड़ा असर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बदला नहीं लेते थे। फतह मक्का के मौका पर सब दुश्मन ये समझ रहे थे कि आज उनकी खैर नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले या अबू सुफियान के घर या बैतुल्ला के में पनाह ले ले और वो अमन में होगा, यानी उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया जाओ तुम सब आज़ाद हो, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी, नरम दिली का वो एक बेहतरीन मिसाल है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों पर शफकत करना, ये तो एक इंसानों की बात हो रही थी, आप जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, दीगर बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ नरम मिजाजी के साथ पेश आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत इंसानों तक ही महदूद ना थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी रहमत और शफकत का मामला फरमाते थे। चुनाचे एक सहाबी ने जब किसी परिंदे के बच्चे को उठाया और शोर मचाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने इस परिंदे के बच्चे को उठाकर बेकरार कर दिया है। इस पर उस सहाबी ने बच्चा लाकर उधर रख दिया, जिसके बाद उस परिंदे ने को करार आ गया। और एक दफ़ा एक ऊँट वाले ने इसके ऊँट के बारे में नरमी करने और काफ़ी खुराक देने और ताकत के मुताबिक बार लादने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तो ये बेटा जानवरों के साथ शफकत और मेहरबानी के कुछ वाक़यात थे, उनमें से पहला वाक़या आपने जो पढ़ा है वो एक परिंदे के हवाले से पढ़ा है। एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चे को उठा लिया और उसको अपने पास ले गया। अब परिंदा उस बच्चे की वजह से बड़ा परेशान है, बिलक रहा है और बार बार इधर जाता है, उधर जाता है, शोर डालता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इस परिंदे को कोई परेशानी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके फरमाया इस परिंदे को किसने परेशान कर दिया है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो एक सहाबी ने उसका बच्चा उठाया और लाकर वो परिंदे के सामने रख दिया या उसके घोंसले में रख दिया जहाँ से वो उठाया था, तो परिंदे को करार आ गया, सुकून आ गया,
तो गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि परिंदों के साथ भी थी। इसी तरह एक ऊंट वाले का वाक्य आता है कि एक ऊंट ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकवा किया, शिकायत लगाई कि मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है और मुझ पर बोझ ज्यादा लाडता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और उसको तरगीब दी और उसको हुक्म दिया कि अपने जानवर ऊंट को चारा ज्यादा डाला करो और बोझ इसकी ताकत के मुताबिक डाला करो और इसके साथ नरमियाजाजी के साथ पेश आया करो। और फिर ये भी हदीस सुना दी कि फरमाया कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता, दूसरों पर मेहरबानी नहीं करता, दूसरों के साथ शफकत के साथ पेश नहीं आता, नरम मिजाजी के साथ पेश नहीं आता, तो आसमान वाला अल्लाह ताला भी उसके साथ नरमी के साथ पेश नहीं आएगा। तो इसलिए अगर हम अल्लाह को अपने ऊपर मेहरबान देखना चाहते हैं, अल्लाह को अपने ऊपर मेहरबान देखना और अपने लिए पसंद करते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि जानवरों के साथ भी, परिंदों के साथ भी, इंसानों के साथ भी, दीगर हर किसी चीज़ के साथ नरम मिजाजी के साथ पेश आएँ, ताकि हमारे लिए वो चीज़ें नरम मिजाज हो जाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बोसा लिया, जो आपके नवासे आपकी बेटी के बेटे थे, हजरत फातिमा के रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया हुआ है और उनका बोसा ले रहे हैं। और एक बद्दू अकरा बिन हाबस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है, बोला मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी इनसे किसी को प्यार नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि मल्ला यरहम वला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पे ऊपर भी रहम नहीं किया जाता। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो बेटा इस लेसन में जो चीज़ें हमें हमारे इलम में आई हैं, वो सबसे पहली चीज़ है सीरत तैयबा में से अहम पहलू कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा अखलाक के मालिक थे और आप जैसा कायनात में शफीक व रहीम और आप जैसा कायनात में आला दर्जे का मालिक और आला अखलाक का मालिक दुनिया में नहीं आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे कायनात के से आला और अरफा अखलाक के मालिक हैं, तो लोगों के लिए मिसाल पेश कर दी कि तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन उस्वा हसना को, उन बातों को अपने लिए अपनाने की कोशिश करो। तो उसमें ये चीज़ सबसे पहले खुल्के अजीम वाली आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे बड़े अखलाक के मालिक थे, आला किरदार के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला था कि लोग आपका अखलाक ही देखकर मुसलमान हो जाते थे। एक औरत का वाक्य आता है कि उसको लोगों ने कहा कि मक्का में एक मजनू दीवाना पागल आ चुका है और वो जादूगर है, जो उसके सामने आता है उसको जादू कर लेता है और अपना गर्विदा कर देता है। तो उस औरत ने जब ये खबर सुनी, उसने अपने सवजो सामान की गुठलियाँ बांधी और उसने इरादा किया कि ये मक्का छोड़ के मैं चली जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मक्का छोड़ के मैं सर्दी चली। को कौन सी क्लास चल रही है? 8 क्लास बेटा, 8 क्लास। 8 क्लास का बाब सोम सफा नंबर इसका 15 है, खुल्के अजीम। सारा हमने सब पढ़ लिया बेटा, आप अभी तक जी। तो उस औरत को जब पता चला कि यहाँ पे एक जादूगर है, तो उस औरत ने अपनी गुठड़ियाँ बांधी, अपना साजो सामान लिया, वजनी था और उठाती थी लेकिन उठाया नहीं जा रहा, बाहर दरवाजे के पास खड़ी है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, तो गुजर हुआ तो उस औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान बैठी है और ये वजन उठाना चाहती है तो उठा नहीं सकती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब चले गए, पूछा कि अम्मा जान कहाँ जाना है, क्या वजन वजनी है तो मैं उठा लूँ
और जहां आप कहती हैं मैं वहां छोड़ के आ जाता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गुठड़िया उठा ली और बीबी अम्मा को कहा कि आप आगे आगे चले तो मैं आपका वजन उठा लेता हूँ, जहाँ आपने जाना है मुझे बता देना, मैं वहाँ छोड़ आऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजन उठाया है और औरत के साथ साथ चल रहे हैं, वो अम्मा जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता नहीं है, ये पैगंबर हैं, इसी के बारे में लोग ऐसी बातें कहते हैं। जाते हुए नसीहतें करती जा रही है, बेटा मक्के में एक जादूगर आया है, आप उसके पास ना जाना। बेटा वो लोगों को जादू के जरिए अपने ऊपर गर्विता कर लेता है और जो बुतों की पूजा करने वाले हैं उनको बुतों की पूजा से छुड़ाकर अपने एक रब की दावत देता है, और दीगर गोया के सारे सफर में यही हदायात करती जा रही है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अखलाक के मालिक हैं और आप बहुत पसंदीदा इंसान हैं, तो लिहाजा आप जैसे इंसान को उसके साथ नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको बार बार इस चीज का दोहरा रही हूं कि आपने उसकी बात नहीं मान। तो जब सफर कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, तो कहने लगी बीबी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मेरा सामान यहाँ पे रख दो, और फिर भी मेरी वही बातें हैं कि उस दीवाने और उस पागल और मजनू के पास आप ना जाना। आखिरकार कहने लगी, ए नौजवान, तूने मेरे साथ इतनी नेकी की है, मेरे साथ इतनी भलाई की है, मुझे अपना तारफ तो करवाइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में लोगों ने तुझे कहा है कि वो दीवाना है, वो पागल है, वो मजनू है, वो मैं ही हूँ जिसकी तू मुझे ये बातें कह रही। तो कहने लगी, अगर आपके अंदर इतना अखलाक और आला किरदार और आला गुफ्तार जैसा आदमी ना दा पागल हो सकता है, ना दीवाना हो सकता है, ना जादूगर हो सकता है, और आप जैसा तो कायनात में मैंने कोई देखा नहीं है, तो उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की आला मिसाल और आला आपके गुफ्तार, कि आप खुल के अजीम के मालिक थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि आप तो तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं और आप कायनात के लिए आला किरदार और आला गुफ्तार के मालिक हैं। तो इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुजर वाला पहलू भी आपने पढ़ा है कि एक ने आकर आपको कत्ल करने के इरादे से आपकी तलवार लेकर थाम कर खड़ा हो गया और कहने लगा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको आज मुझसे कौन बचाएगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। तो उसी वक्त से उस काफर से हाथ से तलवार कांपते हुए गिर गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली और पूछा, भाई अब तुम बताओ कि तुझको मुझसे कौन बचाएगा? तो कहने लगा कि आप तो बहुत शफीक हैं, आप बहुत मेहरबान हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसी वक्त माफ़ कर दिया। तो ये आपकी ज़िंदगी के एक बेहतरीन नमूना था जो आपके सामने यहाँ पे पेश किया गया है। आप बेटा अब सफ़ा नंबर 17 पे जाएं और वहाँ से आप मशक हल करें, मैं आपको करवाता हूँ जी। सबसे पहले सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत मा तर्जमा लिखें। मिला बेटा क्वेश्चन? सफ़ा नंबर 15 के सबसे ऊपर जो लिखा है ना, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की 21 नंबर आयत, ये आयत लिखनी है और इसका तर्जमा लिखना है। सर आयत भी लिखनी है? जी बेटा आयत भी लिखनी है। पहले क्वेश्चन का जवाब बेटा सफा नंबर 15 के शुरू से ऊपर से देखेंगे, आयत लिखी हुई है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ये आयत और उसका तर्जमा पहले सवाल के जवाब में लिखना है। जी बेटा इसके बाद अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू व दरगुजर का कोई वाकया बयान करें। तो बेटा इसमें ये चीज आती है कि अफू व दरगुजर में दो वाक्य आते हैं, एक तो वो कत्ल वाला और एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमदा के वाशी को माफ करने वाला। इन दोनों में से जो आप लिखना चाहें वाकया लिख सकते हैं, अफू व दरगुजर का कोई वाकया बयान करें, इन दोनों में से कोई एक वाकया आ जाएगा। समझ आ गई? किसी से बदला नहीं लेते वहां से दूसरा।
जी बेटा सही। दूसरा यहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बदला नहीं लेते फतह मक्का के मौका पर। हाँ जी ये वाला बेटा सफू और दरगुसर वाला जो वाकया है ना, यहाँ से बोल ये चीज है, यहाँ से शुरू होती है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का इरादा किया। ये अगर कत्ल का इरादे वाला लिखना है तो फिर इसे माफ फरमा दिए यहाँ तक। अगर वो दूसरा वाकया लिखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमदा का कातिल वाशी मुसलमान हो गया, आपने उसे सजा ना दी, ये लिख सकते हैं। इसी तरह वो एक आदमी के जो जुम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज था वो वाकया, अगर ये आप तीनों मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो फिर ये शुरू से लिखेंगे। और ये जो सफा नंबर 16 के तीसरी आयत, यहाँ ऐसा करने का हक है वहां तक आप लिख सकते हैं, ऐसा करने का हक है वहां तक आप लिख सकते हैं। और नंबर 3 है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों पर शफकत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जानवरों पर शफकत वाला पूरा पैरा लिखना है, जानवरों पर शफकत वाला पूरा पैरा इसका जवाब लिखेंगे। और चौथा क्वेश्चन है मल्ला यरहम वला युरहम, जो रहम नहीं करता उसका पर रहम नहीं किया जाता। ये सफा नंबर 16 की आखिरी लाइन में है, मल्ला यरहम वला युरहम, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, इसका तर्जमा वहां से आपने लिख लेना है। और उसके बाद है खाली जगह पुर करें, तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, यहाँ पे आसमान वाला आएगा। फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया जाओ तुम सब आजाद हो, यहाँ पे आजाद आएगा। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत हमदा के कातिल वहशी को भी माफ फरमा दिया। और उसके बाद है जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। और उसके बाद आखिरी है जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो शख्स रहम नहीं करता उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता। जी समझ आ गई बेटा सारी मशक की? एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ बेटा, गौर से दो सुन लेना। पहला सवाल है सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत मा तर्जमा लिखें। ये सफा नंबर 15 पे ऊपर जो आयत लिखी है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये आयत और इसका नीचे तर्जमा दिया गया है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू व दरगुजर का